छोटा सा काम करवाने जाएंगे मैकेनिक के पास, थोड़ा स्पीड रन भी करेंगे। तो आज रात देखेंगे कैसी लाइट थ्रो। चार एजेंसी मिलके सूरत को 9 बजे से ही लॉकडाउन हो जाएगा। इससे आप सबके लिए एक तोहफा। हर रोज मारा मारी होती है, पैसा बोलता है। गुड मॉर्निंग गाइस, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री कृष्ण। दिस इज रॉकी एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल मोटर रॉकी। आज है 38 दिसंबर और टाइम हुआ है 9:36 एंड वी आर हेडिंग टू आवर वर्क प्लेस, दैट इज टू आवर ऑफिस। गुड मॉर्निंग फिशी हॉर्सी। आज इतना छोटा सा काम करवाने जाएंगे मैकेनिक के पास और वो है अपना ये जो टैकोमीटर है, जो अपना मीटर है, स्पीडोमीटर, उसके अंदर की लाइट बंद हो गई है। तो रात को इट इज़ नॉट विजिबल। या मैंने कल या परसों के व्लॉग में ही मैंने देखा था कि इसमें लाइट जल नहीं रही है, तो वो कराएंगे। और भी थोड़ा इधर उधर का देखो वो तो चलता ही रहता है, थोड़ा बहुत तो ऐसे ही वो टिप टॉप कंडीशन में रहती है। एक बार करा लिया तो बाद में आपको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने चल जाए ऐसा नहीं होता है। हाँ, चलाने वाले चलाते हैं, लेकिन अगर आपको कंडीशन टिप टॉप में रखनी है, हरदम कुछ ना कुछ लगा रहता है। चेन लूबिंग के साथ साथ ऑयल चेक, कहीं से अगर हाई स्पीड पे चलाए हो तो अगर कहीं से कुछ लूज होता है तो वो टाइट करना है। बहुत कुछ चीज़ें होती है हाँ, ब्रेक मारते ही अपने वाइजर पे फॉग जमना चालू हो जाता है। सही है। गुड मॉर्निंग फिशी। अरे यार, तू मेरे दिमाग में कितनी घुसी हुई है यार। वो मेरे फ्रेंड हॉर्सी को मैंने फिशी बोल दिया, अभी वो बुरा मान गया यार, ये जाने दो जाने दो जाने दो। हम निकल चुके हैं अभी ऑफिस से और जैसे कि बताया था, हम अभी जाएंगे मैकेनिक के पास थोड़ा छोटा मोटा काम करवाने के लिए। इसको ले लेंगे, नहीं तो ये धूल खिलाएगा। बाय बाय। चलिए, हम अपने मैकेनिक के पास से निकल गए हैं और अभी पहुंचेंगे सीधा घर, क्योंकि घर पे भी पहुंचना थोड़ा ज़रूरी है। तो थोड़ा स्पीड रन भी करेंगे। तो हियर वी गो, गो गो गो। मैकेनिक के पास से वही जो सुबह चेकलिस्ट बताई थी वही सब करवाया। इसमें नया बल्ब लगा दिया, चेन लुब्रिकेशन, थोड़ा इधर उधर लूज फिट सब करवाया। और हेडलैम्प की भी लाइट चेंज करवा ली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था वो रात को थोड़ा डिम हो जा रहा था। तो आज रात देखेंगे कैसी लाइट थ्रो करता है। चेन लूज थी तो चेन को भी थोड़ा टाइट करवा लिए, तो अभी थोड़ा पिकअप में फ़र्क पड़ा है। चेन लूज थी, उसकी वजह से थोड़ा पावर लॉस जैसा मुझे फील हो रहा था, लेकिन अभी सही है। अभी भी है ना सस्पेंशन में, आगे के सस्पेंशन में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बोल रहा था एक दिन गाड़ी रख लो तो चेक कर लेते हैं, जो भी होगा वो करेक्ट कर लेंगे। तो देखते हैं किसी एक दिन निकाल करके गाड़ी रख देंगे। सही फिल्टरिंग किया, मजा आ गया। ओ देखो यहाँ पर भी ये गैस लाइन वाला है। नहीं, ये टोरेंट पावर का है यार, पावर वाला है क्या यार। ये यहाँ पे जो काम हो रहा है वो टोरेंट पावर का है। इलेक्ट्रिसिटी लगा है, ड्रेनेज लाइन वाला लगा है, मेट्रो वाला लगा है, पीने के पानी वाला भी लगा ही है। यानी टोटल 4 एजेंसी मिलके सूरत की कर रहे हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 4 hours later। अभी बजे है शाम के 4:40 और हम निकल चुके हैं ऑफिस के लिए। अभी स्पीडिंग करने की क्रेविंग हो रही है, तो देखते हैं कैसा मौका मिलता है, क्या मिलता है। आज से हमारे यहाँ रात को 9 बजे से ही लॉकडाउन हो जाएगा। रात को 9 बजे से सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन रहेगा 2 दिन के लिए, 30 और 31 के लिए। सही है, जो पार्टी करने वाले होंगे 31 वाली, वो 9 बजे से पहले पहले कहीं पे डुबक लेंगे अपना सारा इंतज़ाम करके। ये भी है, रात को 12 बजे जो पब्लिक बाहर निकलेगी और जो 10 बजे के बाद ही गेड़ियाँ मारती है ऐसे ही, वो सब बंद होगा। चलो थोड़ा तो अच्छा रहेगा। वैसे आप लोग बताइए, आपका क्या प्लानिंग है 31st नाइट का? घर पे या पार्टी है? बताइए बताइए, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। वैसे 31st के लिए हमारा कोई प्लान नहीं है। हमारे प्लानिंग में बस यही है कि 31st नाइट को भी हम आपके लिए व्लॉग्स एडिट करेंगे, ताकि साल के पहले ही दिन सुबह सुबह 7:30 बजे आपको मेरी तरफ से मेरा व्लॉग मिल जाए यही होगा मेरी तरफ से आप सबके लिए एक तोहफा, न्यू ईयर गिफ्ट। कहाँ गई भाई तेरी क्रेविंग? है भगाने की क्रेविंग हो रही थी, तुरंत बुझ गई क्या? हैं हाँ, भगाएंगे भी कैसे भैया, ट्रैफिक ही ज़्यादा था आज। ट्रैफिक कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा लग रहा है मेरे को। एनीवेज, नो प्रॉब्लम। 2 hours later। अभी बजे 7:12 और वी आर गोइंग टू द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ द डे। आज की अभी बात करूँ मैं, तो मैंने एक्चुअली वो जो हार्ड डिस्क मैंने मंगवाई थी अमेज़ोन से, तो उसमें व्लॉग्स को सेव करना पेंडिंग चल रहा था, और एक्चुअली हार्ड डिस्क तो मेरी ऑलरेडी फुल थी। तो जिस पेन ड्राइव में मैं सेव कर रहा था 128 GB की पेन ड्राइव है, वो भी फुल हो चुकी थी। तो अभी मैं ऑफिस आया था तो साथ में हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव लेके आया था, और विद द हेल्प ऑफ मोबाइल हमने हमने पूरा 100% पूरे व्लॉग्स हार्ड डिस्क में सेव कर लिए हैं। और एक्चुअली मोबाइल भी अपना हरदम खाली रहे ऐसा तो होता नहीं, हर रोज़ मारा मारी होती है स्टोरेज स्पेस के लिए। मेरा मोबाइल हरदम डिस्प्ले करता रहता है, स्टोरेज स्पेस इज़ फुल, करो भैया कुछ करो, और मैं बोलता हूँ हाँ करता हूँ रुक करता हूँ। एनीवेज, जो भी मेरी तरह यूज़ करते हैं वो मेरे बात से सहमत होंगे कि मोबाइल में स्टोरेज स्पेस काफ़ी जल्दी रन आउट हो जाती है, भले 128 GB ही क्यों ना हो। मेरी जो स्पेस है वो 128 GB की स्पेस है। वाह, ये देखिए अपने फर्स्ट ऑफ ऑल देखने दिखाने में एक्सीडेंट हो जाता है भैया गाय माता के साथ। एनीवेज मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये देखिए स्पीडोमीटर की लाइट जल चुकी है जिस पे हमने काम करवाया, और आगे लाइट का थ्रो देखिए दिख रहा है। अगर अभी नहीं दिख रहा है तो थोड़ा अंधेरा आने दो, बाद में दिखाता हूँ। लाइट का थ्रो भी काफ़ी अच्छा हो चुका है, वरना पहले तो ये लाइट में देखना आगे का देखना मुश्किल था, लेकिन अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया थ्रो इसका। नई लाइट जो लगवाई है भैया, खर्चा किया है, पैसा बोलता है। बस के आजू बाजू चलाना यानी बहुत बड़ा रिस्क होता है, क्योंकि बस कभी भी साइड पे लेकर नहीं रुकती, बीच रास्ते में ही रुक जाती है। अगर ड्राइवर अच्छा रहा तो वो साइड पे लेकर रुकाएगा, वरना आज हम कॉफ़ी डेट पे नहीं गए हैं। कॉफ़ी डेट को कॉल तो किया है लेकिन उन्होंने पिकअप नहीं किया, तो हो सकता है वो थोड़ा बिजी होंगे इसीलिए पिकअप नहीं किया। काफ़ी अच्छा थ्रो है भैया। चलिए ये एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये ज़रूरी था, नाइट व्लॉग नाइट ड्राइविंग के लिए ज़रूरी था, इसीलिए आगे की नई लाइट ही डलवा दी पूरी। चलिए एनीवेज इसी बात पे व्लॉग को करते हैं एंड। अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही है, प्लीज़ फॉलो मी देयर। और अगर सब कुछ सही रहा तो हिट लाइक, चैनल की ग्रोथ के लिए शेयर भी कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट भी कर ले। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब दी चैनल। तो मिलते हैं कल सुबह ठीक 7:30 बजे एक नए व्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू मोटो फैमिली। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear, only up, never down, off the ground till I'm found, hear the sound, listen to me now, as the beat pounds, every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt, do you like me now, am I good at